हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज तो मैं बिल्कुल मस्त हूँ बिकॉज मेरी नींद पूरी हो गई है, क्योंकि रात को बिल्कुल बारिश नहीं पड़ी। पूरी रात बहुत आराम से सोया, रात को काफ़ी लेट सोया था लेकिन नींद पूरी हो गई। अभी लगभग 11:26:27 हो गए हैं, थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। और वेदर भी मस्त हो गया, मैं भी मस्त, वेदर भी मस्त, तो नैनीताल मस्त हो गया इस हिसाब से, क्योंकि नैनीताल में सबको एकदम आज धूप मिल गई है तो सब खुश हो गए। तो अभी फ़िलहाल कुछ नया करने की सोच रहे हैं आज, तो अभी चलते हैं कहीं पर, फिरोज भाई को बुलाता हूँ मैं, और कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसपास के जो माहौल को है ना उसको देखना ज़रूरी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं यहाँ से। 4 दिन की भयंकर बारिश के बाद भयंकर धूप देखने को मिल रही है, तो अभी कुछ भयंकर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से चलते हैं कहीं भयंकर जगह पर। तो फिरोज भाई को हमने बुला लिया है, उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, अभी ट्राई कर रहे हैं। हो गई स्टार्ट? हो गई, तो बाइक स्टार्ट हो गई है भाई, अपनी पुरानी स्प्लेंडर। तो बच्चे बैठ जाएंगे, बाय, ओके, मिलेंगे फिर आकर, ठीक है, चलो। यार जहाँ मैं जा रहा हूँ गाइस, वहाँ बहुत पहले जाने की सोच रहा था लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं पा रहा था, अभी चल रहे हैं। फिलहाल गाइस मैं आ गया हूँ 12 पत्थर में, और आप ये रास्ता देखिए, काफ़ी ज़्यादा भयंकर भयानक रास्ता है, एकदम स्लिपरी। अगर थोड़ी सी बाइक स्किड करे तो इधर से सीधे नीचे जंगल में। तो यहाँ से मैं राइड करूँगा, क्योंकि फिरोज भाई यहाँ से संभाल नहीं पाएंगे बाइक, संभाल तो लेंगे, पता लगा कहीं घुस गए इधर उधर लेकर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं चला लेता हूँ। तो फिलहाल गाइस मैंने गाड़ी उतार ली है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर रोड है ये, बहुत खतरनाक रोड है, बहुत स्लिपरी, आदमी बाइक लेकर गिर जाता है, बाइक तो छोड़ो पैदल आते हैं तब भी गिर जाते हैं। मैं अभी, ये मुस्लिम कब्रिस्तान है आप देख सकते हैं, यहाँ तो मेरा पूरा जीवन ही यहाँ बीता है, तो मुझे तो बहुत प्यार है इस जगह से। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, कुछ और जगह पर आया हूँ मैं देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन मैं जा रहा हूँ उधर, यहाँ तो मैं अभी लास्ट टाइम में भी एक ब्लॉग मैंने शूट किया था, वो आपको दिया था मैंने बनाकर यहाँ का एक ब्लॉग। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं, चले फिर भी अब तो ये चला लेंगे यहाँ से, क्योंकि मेन रोड है, मेन रोड क्या सीसी रोड है, पक्का रोड है मतलब। गाइस जब मैं बचपन में यहाँ रहता था ना, यहाँ इस पहाड़ से पत्थर गिर जाते थे नीचे, बहुत भयानक वाली आवाज़ें आती थी, बड़ा बहुत बूम बूम, मतलब बहुत बिकट वाली आवाज़ें आती थी यहाँ पर, हम डर जाते थे, पता नहीं क्या पहाड़ गिर गया नीचे को, लैंडस्लाइड होता था, ये बड़े पत्थर दिख रहे थे सारे गिर जाते थे नीचे, सारे कभी मतलब जो छोटे मोटे पत्थर होते थे वो मोटे गिर जाते थे नीचे आकर के। फिलहाल गाइस बाइक लगा दी हमने पहले ही, बिकॉज यहाँ पर ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है, यहाँ पर हम चल रहे हैं तो फिसल रहे हैं, इसलिए पहले ही लगा दिए। एक भैया तो हमसे पहले ही आए हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी फिसल रहे हैं वो भी, तो ये बाइक यहीं पर छोड़ देंगे और जा रहे हैं हम नीचे वॉक करके। तो भाई जितना ख़तरनाक हो रहा है ना ये रास्ता, वहाँ से जहाँ पर बाइक खड़ी है ना वहाँ से यहाँ आने में हालत ख़राब हो गई, फ़ोन को फिर जेब में रखा उसके बाद में आया हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा धूप आ रही है जिसकी वजह से ये गीला नहीं है, गीला होने की वजह से असल में इसमें काई आ जाती है ग्रीन ग्रीन, जिससे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, फिर स्किड करता है आदमी, अगर चलेगा तो बिल्कुल फिसल जाएगा उसमें। बाइक तो हम इसमें भी ले जाते लेकिन कोई ऐसा ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो अगर ले जानी होती तो मैं ले जाता इसमें भी, और वैसे ही मैं पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे जाना था अभी। तो फाइनली गाइस मैं पहुंची हूँ क्रिश्चियन सेमेट्री, यहाँ पर काफ़ी दिन से नहीं आया हूँ मैं, तो आज मेरा मन कर रहा था कि कुछ शांति सुकून की जगह हूँ, वैसे तो शांति सुकून रोज़ ही मिल रहा है घर में भी, सब जगह शांति सुकून ही एक तरह से, लेकिन यहाँ का जो सुकून है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है,
तो फिर मैं उसी की वजह से यहाँ पर आ गया हूँ। बचपन में बहुत आया हूँ मैं, बहुत खेला कूदा हूँ यहाँ पर सब में, पता नहीं कितने पेड़ों में चढ़ा हूँ मैं यहाँ पर। तो फिलहाल मैं इसीलिए घूमने के लिए आ गया हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं आज कैसा माहौल हो रहा है, क्योंकि हम बहुत पहले आए थे यहाँ पर, अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर। 2018 में आया था मैं लास्ट टाइम यहाँ, मैंने एक सॉन्ग शूट किया था यहाँ पर तब आया था। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ अंदर, अभी से क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ एक क्रिश्चियन सेमेट्री का पूरा एरिया है, उसी के पार्ट में ये बना हुआ है एक, तो ये हाउस है काफ़ी पुराना। मैं आपको भी अंदर से दिखाता हूँ, हालांकि मैं एक बारी अंदर से घुस के बाहर आ गया हूँ। तो मैं अंदर चलते हैं फिर से और देखते हैं। इसके अंदर चलेंगे फिरोजी, इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर डर लग रहा है आपको, क्या है इसके अंदर, भैंस की पूंछ। तो वैसे भी अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा है कभी कुछ बैठा होगा अंदर, वैसे होगा तो कुछ नहीं लेकिन ठीक नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं इसके नीचे की ओर को, काफ़ी चीज़ें बनी हैं और भी, क्या क्या चीज़ें बनी हैं मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ आज मैं अपने होश आवास में अच्छे से घूमूंगा और सारी चीज़ों को देखूंगा और जितना होगा आपको भी दिखाऊंगा। तो अभी नीचे घूमते हैं, यहाँ पर कुआं भी तो बना हुआ था बहुत बड़ा सा, नहीं बना था, मैं देखता हूँ अभी। तो ये बना है इसका ढक्कन, देखो कुएं का, अरे भाई कितना भर गया पानी से। वही से कुआं बचपन में देखा था मैंने और मुझे याद था आज भी कि यहाँ एक कुआं बना है और ये कुआं पूरा पूरी तरह से भर गया। अभी क्या है इसके अंदर, अंदर देखें कुएं के कौन डाल के, तो भाई ये कुआं मैंने बचपन में देखा था, मुझे आज भी याद है कि एक कुआं बना था। तो इसका ये लोहे का जो इसका वो बना है ना ढक्कन जैसा, उससे मुझे याद आ गया, तो दूर से दिखाई देगी मतलब जंगल में, वैसे तो बहुत ज़्यादा घास हो रही है लेकिन फिर भी दिखाई देगी। तो अभी और चीज़ों को देखते हैं नीचे चल के,